मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? ओवैसी पूरी तरह से बौखला गए हैं, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। अब उनको अगर ये डर है, भगवान करे उनका डर बरकरार रहे। अपना कोटेन अंडर है, कोटेन इलेक्शन है आगे, एक गिमिक शो करबेन बोले। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का। देश में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, चारों तरफ राम नाम की गूंज है, लेकिन श्री राम के आगमन में विघ्न डालने की कोशिश हर दिन हर घंटे की जा रही है। कभी हैदराबाद में भाईजान नफरती बयान देकर मुस्लिमों को भड़काते हैं, तो कभी सेकुलर चोला पहने इंडी गठबंधन के नेता श्री राम के नाम पर सनातन पर आघात करते हैं। श्री राम पर जब से असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर की जगह मस्जिद की बात कर चिंगारी लगाई है, उसके बाद से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले इंडी गठबंधन के नेताओं ने सनातन पर टारगेट किया था, अब तो तमाम नेता 22 जनवरी के पावन दिन के विरोध में बयानबाजी करने लगे हैं। पहले आपको ओवैसी का वो बयान दिखाते हैं जिसकी वजह से ताजा विवाद शुरू हुआ है। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्याल सलाह और हय्याल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर के खिलाफ अपनी सोच को दिखा दिया। असदुद्दीन ओवैसी के 2 मिनट की वीडियो में विवादित ढांचे की तस्वीरें बार बार लगाई गई हैं और बार बार ओवैसी ये डराने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिमों से उनकी मस्जिद छीनने की साजिश की जा रही है। इसके जवाब में साक्षी महाराज ने भी करारा जवाब दिया है। बाबा बागेश्वर ने तो ओवैसी को अल्टीमेटम दे दिया है, एक दिन भी वहां नमाज नहीं पढ़ी गई, एक दिन भी वहां कुरान नहीं पढ़ी गई और एक दिन के लिए भी रामलला की पूजा वहां बंद नहीं हुई, लगातार पूजा होती रही है, तो वो राम मंदिर था। ये उनका भीतर का डर बता रहा है कि वो कितने कमजोर हैं और कितने निर्दयी। अगर हमको मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाना होता तो इतने मंदिर के जितने पुजारी हैं वो ही अभी तक खत्म कर देते मस्जिदें। हमें मस्जिदें नहीं, मस्जिदों पर मंदिर नहीं बनाने, जहां हमारे मंदिर थे हमें वहां मंदिरों के पुनर्निर्माण करवाने। अब उनको अगर ये डर है तो भगवान करे उनका डर बरकरार रहे। देश में मुस्लिमों का बड़ा वर्ग भी राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। बैरिस्टर ओवैसी भूल गए हैं कि फैजाबाद से हैदराबाद तक मुस्लिम समाज मंदिर निर्माण में योगदान कर रहा है, कोई चंदा दे रहा है तो कई मुस्लिम मंदिर निर्माण में भाग ले रहे हैं। एक तरह से देश में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को इस उत्सव में भी सांप्रदायिक रंग नजर आने लगा है। ममता बनर्जी ने तो प्राण प्रतिष्ठा को ड्रामा बता दिया। धर्म जार जार निजेर उत्सव किंतु सवार আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে, সবাইকে নিয়ে কথা বলে, একতার কথা বলে। আপনারা করছেন করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে, আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা। विरोध की सियासत ऐसी है कि खुद को हनुमान भक्त कहने वाले कमलनाथ भी श्री राम विरोधी ब्रिगेड में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले श्री राम के नाम पर वोट मांगने वाले कमलनाथ, जैसे ही चुनाव हारे उन्होंने भी राम भक्त का लबादा उतार फेंका है। राम मंदिर सबका है तो सवाल खड़े करने का, और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना। को गाली देना है गाली दें, हिंदू धर्म को गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि हिंदू लिबरल होता है, सहिष्णु होता है, इसलिए
जदयू और आरजेडी के लोग घूम घूम करके सनातनियों को गाली दे रहे हैं। श्री राम का विरोध कोई भी कर ले, बयान कितने भी आ जाएं, लेकिन राम के भक्तों के उत्सव का दिन नजदीक है। पूरे देश को राम मंदिर से जोड़ने के लिए अक्षत कलश महाअभियान चल रहा है। यूपी में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह घोषित हो चुका है। यूपी में 22 जनवरी को स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अयोध्या में राम लला के गर्भगृह का सोने का द्वार बनाकर काम पूरा हो चुका है। इसकी सुंदर तस्वीर दुनिया देख रही है। हालांकि बिहार में इसे लेकर अलग ही बयानबाजी चल रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कह रहे हैं कि वो श्री राम भक्त हैं, लेकिन उन्हें राम के भक्त हैं जो सबरी के बेर खाते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं। चंद्रशेखर यादव जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी ओर से ये कहा गया। दूसरी तरफ बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी वो कहते हैं कि बीजेपी वाले राम को अपना मानते हैं, जबकि उनका भगवान राम से कोई संबंध नहीं है। मदन सहनी आगे कहते हैं कि भगवान राम का केवट से संबंध था, जिसके हम वंशज हैं, वो यहाँ ये बात कहते हैं। तो ये बिहार के नेताओं की बातें। दादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूँ, मगर उस प्रभु श्री राम का भक्त हूँ जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, अहिल्या के तारनहार होते हैं। जब मर जाता पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाने के अनूठा और अहिल्या के तारनहार के अनूठा उदाहरण है, तो फिर मनु संहिता में शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार से क्यों अलग किया गया? राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये तो सब देश के लोग जान रहे हैं, बिहार के लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। हम सभी लोगों का आस्था अपने अपने धर्म में है और भगवान रामचंद्र जी सबके हैं और किसी पार्टी के नहीं है। रामचंद्र जी को जब नाव से पार करने का भी नौबत आया तो केवट में ही पार करने का काम किया था। हम लोग उस वंशज के लोग हैं, रामचंद्र जी से हम लोग का भी नाता है, सीता माता हम लोग की है, बिहार की, मिथिलांचल की। तो कुल मिलाकर पूरा विपक्ष इस वक्त राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनर्गल बयानबाजी करने में लगा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं को बड़ा निर्देश दे दिया। क्या दिया वो जरा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर पर बेवजह की बयानबाजी से बीजेपी के नेताओं को बचना चाहिए। राम मंदिर पर आस्था दिखाएं, आक्रामकता नहीं दिखाएं, मर्यादा का ख्याल रखें और अपने क्षेत्र में किसी तरह की गड़बड़ी न होने दें। 22 जनवरी के बाद लोगों को रामलला के दर्शन के लिए आप लेकर आए। हालांकि राम मंदिर के मुद्दे पर जो राजनीति इस वक्त देश में चल रही है, उस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने तीखा हमला किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी राम जन्मभूमि की लड़ाई को सिर्फ लड़ा नहीं है बल्कि निर्णायक रूप में लाकर खड़ा किया। वहीं मंदिर निर्माण को फिजूल खर्ची बताने वाले समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जवाब दिया। आज अगर हम राम की बात करते तो कहते हैं हम राजनीति करते। भारतीय जनता पार्टी ने अगर अटल जी और अडवाणी जी के समय से लेकर मोदी जी के समय तक हमने केवल इसको वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं, हमारी विचारधारा की लड़ाई थी, हमने केवल राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी ही नहीं, उसको निर्णायक रूप में लाकर खड़ा भी किया है। राम मंदिर के नाम पर हम लोग फजूल खर्च कर रहे होते तो जिनको राम की मर्यादाओं का ज्ञान है, जिनको राम के नाम में भरोसा है और जो विरासत पर गर्व करते हैं, वो इस तरीके की बातें नहीं करते। आज देश ने तय किया है और प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर हमको दिशा निर्धारित की है कि अगर 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है तो, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा।